سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك

i can't help but know this. symphony i hear all around from the smallest grain of sand to the faraway away planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop says as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the sea. أوصيك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज वजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं है और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहल आयाल पर और उनके सहाबा पर जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर मुझसे ग़लती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ़ से हो और बहली सदरी वसली अमरी वाहलतम मिलिसानी अबाह कौली

व इज़ल षारत और जब दस महीनों की हामिला ऊटनियाँ छोड़ी जाएंगी व इज्जल वहरत और जब मवेशी जानवर इकट्ठा कर दिए जाएंगे व इज़ल बेहारसत और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे व इज़ल नफुस जुविजत और जब जाने जोड़ी जाएंगी इजल मऊदत सुलत और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की पूछी जाएगी बे बिनकुल किस गुना में मारी गई व इज़्ज़त सुनुशत और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे वह इज़त समुश और जब आसमान उसकी खाल उतार दी जाएगी इजल जहीम सत और जब जहन्नुम भड़का दी जाएगी इजल जन्नत उजलिफत, और जब जन्नत लाई जाएगी, जाएगीत अहदरत, जान लेगा हर नफ्स क्या उसने हाजिर किया फ़ला बिल बिल्कन्नस बस नहीं मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाली की अलजवारिल अलजवाक सीधी चलने वाले छुप जाने वाले सितारों की वलईली इज़ा अस अस और रात जब रुखसत हुई बस सुबह इज़ा तनफ़स और सुबह जब उसने सांस लिया इन्हू लकौलु रसूल करीम बेशक व अलबत्ता कहना है एक पैगंबर का मौज़ज़ जी क़त नज़ल अरश मकिन क़त वालावत वाले के पास अर्श वाले बुलंद मरतबे वाला मुतयन अमीन कहा, मना, कहा माना गया उस जगह अमानत दार वमा साहिब कुम बे मजनून और नहीं साथी तुम्हारा कोई मजनून वाह बिलुफ़लमुबी और अलबत्त तहक़ीक उसने देखा उसको उफ़ पर रौशन वमाँ हुआ अलग बिरदन और नहीं वो ग़ायब पर बकील वमा हुआ बे क़ोलि शै तोन और नहीं व क़ौल शैतान मरदूत का फीन तेज हबुन बस कहाँ तुम जाते हो लिल आलमीन नहीं वो मगर एक नसीहत है जहाँ वालों के लिए लिमन शमिन यस्तम वास्ते उसके जो चाहे तुम में से के राह रास्त पर चले वमा तशनय आलमीन और नहीं तुम चाह सकते मगर के अल्लाह चाहे जो रब है सारे जहानों का लफ्जी तर्जुमा लिए थे हम अब बाहवरा तर्जुमा पढ़ेंगे जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब दस माह की हामिला ऊंटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा किस गुना की वजह से वो कत्ल की गई और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे और जब आसमान की खालें उतारी जाएगी और जब दोजख भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब लाई जाएगी उस वक्त हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया फिर मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले चलने वाले छुप जाने वाले तारों की और रात की जब वो चली जाती है और सुबह की जब वो रोशन होती बेशक ये कुरान, रसूल करीम ज़िब्राइल का कौल है जो बड़ी कुत वाला अर्श वाले के नज़दीक बुलंद मर्तबा है वहाँ आसमानों में उसकी इतात की जाती है अमीन है और ए ए एहल मक्का तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि महमद दीवाना नहीं और अलबत तहक़ीक़ ये नबी तो इस जब्राइल को रोशन उफक पर देख चुका है और वो ग़ैब की बातों पर बखील नहीं है और ये कुरान किसी मरदूद शैतान का कौल नहीं फिर तुम किधर चले जा रहे हो ये तो सब जहानों के लिए नसीहत है तुम में से इसके लिए जो भी सीधी राह पर चलना चाहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर तुम कुछ भी नहीं चाह सकते तफसीर व तशरी सूरह तकवीर की सूरह तकवीर का तारुफ इस सूरत का नाम पहली ही आयत के लफ्ज कुत से माखूज है यानी वो सूरत जिसमें क़यामत के दिन के लपेटे जाने का जिक्र है इस सूरत का अज़मून जो है सो क़यामत का मंजर और रिसालत मोहम्मद का अज़बात है और दोनों ही ईमान का लाजमी हिस्सा है सूर तकवीर मकी है इसमें ट्वेंटी नाइन आयतें एक रुकू और हंड्रेड एंड सिक्स कलमात और फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स हुरूफ है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदील तुं से रवायत है कि रसूल सल्ह स फरमाया फरमाया इज़्ज़त शम्स कुरत व इज़त समा उनतरत इज, व इज़त समत जैसे ये बात पसंद जिसे ये बात पसंद है कि वह क़्यामत के मंजर को अपनी आँखों के सामने देखे तो उसे चाहिए कि इज़त शमसुकविरत इज़त फतरत और इज़्ज़त समा उन चक्त गौर और तोजह से पढ़े यानी ये किसी को अपने आँखों से के सामने क़यामत का मंजर देखना हो तो उसे चाहिए कि ये सूरत पढ़े गौर और तवज्जो के साथ पढ़े तमहीद है इस सूरत की इब्तदाई आयत में क़यामत के दिन वाक़ होने वाली बारह चीज़ें बयान की गई हैं पहली छः चीज़ें पहली मर्तबा सूर में फूके जाने के वक्त होंगी और आखिरी छः चीज़ें दूसरी बार सूर फूके जाने के वक्त होंगी इस वक्त हर जान ने जो दुनिया में कमाई की होगी उसकी हकीक़त उसके सामने आएगी क़यामत का मंज़र जिस तरह सर पर इमामा और पगड़ी को लपेटा जाता है उस तरह सूरज को रोज़ क़यामत लपेट कर फेंक दिया जाएगा जिससे उसकी रोशनी ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएगी चांद का भी यही हाल होगा सैदना अबू हुरर रदील्ल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन चांद और सूरज लपेट दिए जाएंगे बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि इन दोनों को लपेट कर जहनुम में फेंक दिया जाएगा ताकि मशरकिन जो उनकी इबादत किया करते थे तो मज़ीद जलील बखार होंगे जैसे एक दूसरे मुखाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया नुम कमाताबुदून मंदून हसबु जहन्नम सुर अम्ब्या के आए थे ये चक तुम और जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो जहन्नम का ईंधन है रोज़ क़यामत सितारे झड़कर गिर जाएंगे उनकी रोशनी और चमक दमक ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है और ज़मीन में वो कशिश रखी है जो उन्हें बांध कर रखे हुए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से क़्यामत के दिन वो कशिश ख़त्म हो जाएगी और ये मज़बूत पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह ज़र्रा ज़र्रा होकर हवाओं में उड़ा यानी हवाओं में वो उड़ेंगे यहाँ तक कि शराब हो जाएंगे ऊंट अरब का बेहतरीन माल है और दस महीने की हामिला ऊंटनी दूध और बच्चे की तो़़े पर बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है यानी हाँ, ऊंट अरब का बेहतरीन माल है और दस महीने की हामिला जो ऊँटनी तो यानी बहुत ही कीमती ऊंटनी होती तो वो लेकिन क़ैमत के हौलनाक की, हौलना की ऐसी होगी यानी उसके जलजलों के वक्त ऐसा जो है सो वो इतने अजीज़ माल को भी वो कोई नहीं संभालेगा हर एक को अपनी पड़ी होगी जंगल के वहशी जानवर जो एक दूसरे से दूर भागते हैं उस घबराहट में जमा हो जाएंगे यानी ऐसा आलम होगा कोई किसी को न, कुछ नहीं कहेगा जैसे सख्त सैलाबों में ऐसे मंजर पेश आते हैं कि सैलाब में बहती हुई लकड़ी के एक किनारे पर सांप और दूसरे किनारे पर इंसान तो जान बचाने के लिए बैठा होता है और हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है यानी इतना एक ही किनारे पे सब रहेंगे लेकिन वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं सिर्फ अपनी जान की फिक्र होती तो उस तरह से होगा समंदरों में अल्लाह ताला के हुक्म से आग भड़क उठेगी दूसरी मरतबा जब सूर में फूके जाने के बाद उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो उनके अकीदे और उनके अमाल के एतबार से लोगों की अलग अलग जमातें यानी अलग अलग ग्रुप्स बना दी जाएंगी यानी जो नेक होंगे जो नेक लोग होंगे वो नेक लोगों के साथ होंगे और जो बुरे लोग होंगे वो बुरे लोगों के साथ होंगे यानी उनके ग्रुप्स बना दिए जाएंगे फिर बेटियों पर जुल्म का सवाल होगा वहाँ पर बाज अरब कबीलों का दस्तूर था उनके यहां बच्ची पैदा होती बेटी पैदा होती तो बाप खुद अपनी बेटी को नहायत ही संग दिली और बेरहमी के साथ जमीन में जिंदा दफन कर देता यानी जमीन में जिंदा दफन कर देते थे बाज मुफलिस और तंगदस्ती के खौफ से ये काम करते थे और बाज तो ये आर समझते थे कि अगर हम अपनी बेटी किसी को देंगे तो वो हमारा दामाद कहलाएगा तो ऐसे लोगों पर ख्यामत तो वो उसमें आर समझते थे शर्म महसूस करते थे क्यामत को वो आर समझते थे बेटा चाहते थे बेटी ज़िलत का सामान समझते थे तो ऐसे लोगों पर ख़्यामत के दिन अल्लाह ताला सख्त गज़बनाक होगा और उनसे मुंह फेर लेगा और जिंदा दरगोर दरगोर हुई थी जो जिंदा गाड़ी गई थी वो बच्चियों से पूछा जाएगा यानी उनसे पूछा जाएगा कि जालिमों ने तुम्हें किस जुम सजा किस में जिंदा गाड़ दिया था तो अल्लाह ताला ये सवाल करके दरअसल दरअसलों को डांट पिलाएगा क्योंकि असल मुजरिम वही होंगे ना कि दरगोर की जाने वाली बच्चिया जिंदा दरगोर करना कबीरा गुनाहों में से है जिंदा गाड़ना औलाद को कबीरा गुनाहों में से है हज़रत मग़ैरा बिन शबा रदील तुम्हें से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफ़रमानी करना लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना दूसरों के हकूक़ अदा ना करना और बस अपने हकूक़ का मुतालबा करना हराम करार दिया है और तुम्हारे लिए बुरी और फ़ूल बातों ज़्यादा सवाल करने और माल ज़ाया करने कर नापसंद किया है सही बुखारी की हदीस है। फिर फिर नामे फैला दिए जाएंगे। जब इंसान को मौत आती है तो उसका आमाल नामा लपेट दिया जाता है और उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है क़्यामत के दिन आमाल नामे दोबारा हिसाब के लिए खोल कर तमाम इंसानों के हाथों में पकड़ा दिए जाएंगे जिन्हें हर शख़्स देख लेगा और हर अमल करने वाला अपने अमल खुद पढ़ लेगा उस वक्त मुजरिम का क्या हाल होगा ये उस दिन के हौलनाकी के बहुत से पहलुओं में से ये एक पहलू है आसमान की खाल खींच ली जाएगी जैसे जानवरों को ज़ुबा करने के बाद उसकी खाल उतार ली जाती है जिससे तमाम आज़ा और रग वो रेशे जाहिर हो जाते हैं यानी पूरे जैसा जित जो भी पार्ट्स है और उसके जो भी नर्व्स है वो सब जाहिर हो जाते हैं अगर स्किन हमारे निकाल देंगे तो इसी तरह आसमान का पर्दा उतार दिया जाएगा जिसके बाद आला में बाला की चीज़ें सबके सामने जाहिर हो जाएंगी दोजख़ दहकाई जाएगी दोजख दो जख़्त दहकाई जाएगी जबकि जन्नत खरीब लाई जाएगी जहन्नुम तैयार तो पहले से होगी लेकिन जब मुजरमों को इसमें डालने का वक्त आएगा तो वो उनको जलाने के लिए ख़ास तौर पर भड़काई जाएगी फिर जब मुजरिम उसमें डाले जाएंगे तो वो मज़ीद ईंधन पाकर और जोश से भड़केगी अल्लाह ताली हम सब को महफूज रखे फिर उसी तरह जन्नत करीब लाई जाएगी ताकि जन्नतियों के लिए एक पेशकश के तौर पर उनके सामने पेश की जाएगी जिसकी रौनक व बहार देखने से अजीब फरहत व मसरत हासिल होगी यानी खुश यानी अजीब किस्म की ख़ुशी होगी उनको अंदर से ऐसी खुशी होगी कि उनके चेहरे रौनकदार हो जाएंगे जब सारी चीज़ें जाहिर होंगी तो उस वक्त हर एक के सामने उसके आमाल की हकीकत खुल जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि वो नेकी या बुराई का क्या सरमाया लेकर हाजिर हुआ है अल्लाह ताला का फरमान है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा वमा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहू अमदम बईदा व वयु, युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सहु अल्लाह रूफ़ उम सूरह आल इमरान के आयत है ये आयत नंबर थर्टी जिस दिन हर शख़्स अपने किए हुए अमाल अच्छे अमाल को और अपने किए हुए बुरे आमाल को अपने सामने पाएगा वो ख्वाहिश करेगा कि काश उसके और उसके बुराई के दरमियान बहुत दूर का फ़ासला होता और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ी शफ़त करता है अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और बुरे आमाल से हमारी हिफाज़त फरमाए सितारों की कसम अब यहाँ पर अल्लाह सितारों, सितारों की कसम के बारे में है यहाँ अल्लाह आलमीन ने कुरान मजीद और वसल्लम की सबूत व रिसालत की हकमानियत को बयान करने के लिए कई कसमें खाई फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले चलने वाले और छुप जाने वाले सितारों की ये सितारे दिन के वक्त अपने मंज़र से पीछे हट जाते हैं और नज़र नहीं आते और रात के वक्त ज़ाहिर होते हैं देखिए हमको रात के वक्त सितारे नज़र आते हैं दिन के वक्त नज़र नहीं आते और रात की कसम जब वो चली जाती है अल्लाह ताला रात की कसम खाते कहते हैं कि जब वो चली जाती है फिर रोशन होती हुई सुबह की कसम जब तुलू आफ्ताब से कबल इसकी रोशनी फैलने लगती है बाज़ मुफसरेन इससे वक्त मुराद देते हैं जब बाहर के मौसम में नसीम शहर चलने लगती है फरिश्तों के सरदार का मुक़ाम व मर्तबा खुरान, खुरान हकीम अल्लाह ताला के पास से हम तक दो वास्तों से पहुँचा है एक वही लाने वाले फ़रिश्ते हज़रत के वास्ते से फिर जिन पर वही आती थी यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दोनों हस्तियों के अजीम मर्तबे और अजीम शान होने की वजह से कुरान मजिद के सच्चे होने और अल्लाह ताला की तरफ से होने में किसी तरह का शक व शुबा नहीं रहता तो अल्लाह ताला ने ज़िब्राइल जब्राई सलाम की पांच सिफात बयान फरमाई हैं एक तो पहली बड़ी इज़्ज़त वाला है दूसरा वही को याद करने और पहुँचाने में बड़ा ताक़तवर बालात है और जो काम भी उसके सुपुर्द किया जाए उसे पूरी क़ोत से करता है फिर तीसरी अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा मुकाम व मरतबा है चौथा फरिश्ते उसकी बात मानते और उसका हुक्म तस्लम करते हैं यानी वो तमाम फरिश्तों का सरदार है और पाँचवा वही के सिलसिले में अमानत है अल्लाह ताला उसे जो पैगाम देकर भेजता है वो उसी तरह रसूल तक पहुंचाता है और उसमें कोई कमी बेशी नहीं करता ये ये ज़िब्राइल सलाम का व मर्तबा बताया गया और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है पहले मक्का को मुकातिब करके फरमाया है कि वही आने से पहले चालीस साल तक मोहम्मद अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ रहे हैं इतनी लंबी मुद्दत तुमने उनके तमाम खुले छुपे हालात का तजुर्बा किया एक मर्तबा भी उनमें छूट फरेब या दीवानापन नहीं देखा हमेशा उनके सिद् सच्चे और अमानतदार और अक्ल व दानाई की ये सब तुम लोग जानते थे तुम खुद कहते हो हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया अब तुम उन्हें नबूवत मिलने के बाद बिलावजे झूठा या दीवाना क्यों कहते हो अल्लाह ताला ये अहम मक्का से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि क्यों तुम उनको झूठा या दीवाना कहते हो क्या ये वही तुम्हारे हम नसब और हम वतन नहीं हैं ये तुम्हारे साथ ही तो थे फिर तुम्हारे वतन में ही थे तुम सब देखते थे चालीस साल तक देखते रहे जिनके तमाम हालात का तुम पहले से तजुर्बा रखते हो अब उन्हें दीवाना कहना सिवाय तुम्हारी अपनी दीवानगी के और कुछ नहीं अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अपनी दीवानगी के और कुछ नहीं है ज़रा कुरान पढ़कर तो देखो क्या कोई दीवाना ऐसे हक़ बयान कर सकता है क्या ये दीवाना कोई ऐसे कोई भी दीवाना जब रहता होता तो क्या वो ऐसे पूरे हकीकतें क्या वो बयान कर सकता कौमें जो गुजरी हैं उनके सही सही हालात बता सकता है क्या कोई दीवाना ऐसा बता सकता है यह अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ये रसूल है इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और जो इस कुरान में बयान किए गए हैं कुरान मजीद के बारे में जो शकूक व शुभहात तुम पैदा करते हो सब गलत है अगर उसके मजामिन और हिदायत में गौर करो तो उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा ये ये सारे जहां के लिए एक सच्चा नसीहतनामा है अल्लाह कह रहे हैं अगर इसके जो मजामिन हैं यानी इसके जो टॉपिक्स है और इसमें और हिदायत में ग़ौर करो इसके हिदायत में ग़ौर करो तो इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा कि ये सारे जहां के लिए एक सच्चा नसीहत नामा है और मुकम्मल दस्तूर हयात है जिससे उनकी दुनिया और आखिरत की फलाह व कामयाबी है तो रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने जब्राईन को आसमान के मशरक़ी किनारे के पास उनकी असली सूरत में देखा था तो इसलिए हक़ का इनकार करने वाले ये भी नहीं कह सकते कि शायद देखने या पहचानने में कुछ शक व शुबा हो गया हो और ऐसे शख़्स को फरिश्ता समझ लिया हो जो हकीकत में फरिश्ता नहीं था ऐसा नहीं हो सकता तो ये अल्लाह ताला ये सारी बातें इस सूरे में फरमा रहे हैं फिर अहकाम इलाही की तबलीग नबी अक्रम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम की तरफ ये वजाहत की जा रही है कि आपको जिन बातों की इतला दी जाती है और जो अहकाम व फ़रज़ बताए जाते हैं उनमें से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते बल्कि फरीज़ रिसालत की ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए हर बात और हर हुक्म लोगों तक पहुंचा देते हैं ये आप के बारे में ये वजाहत की जा रही कि आप कोई भी बात नहीं छुपाते और पूरे यानी जो रिसालत का जो फ़र्ज़ है जो ज़िम्मेदारी है वो पूरा 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 उसको जो है सो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा, पूरा पूरा पहुंचा देते हैं कुरान हर नुक्स से पाक है जिस तरह नजूमियों के पास शैतान आते हैं और आसमान के बाद चोरी चोरी छुपे बातें अधूरी शक्ल में उन्हें बतलाते हैं तो कुरान मजीद ऐसा हरगिज नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो जब्राइल अमीन के जरिए से बगैर किसी कमी के हजरत बगैर किसी कमी के सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम के पास आया है इसमें शैतान की ज़रा सी भी दखल अंदाजी नहीं है फिर इस रोशन और साफ़ रस्ते को छोड़कर किधर बह के चले जा रहे हो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर इस रोशन और साफ़ रस्ते को छोड़कर किधर बह के चले जा रहे हो क्यों इससे रू गर्दानी करते हो और इसकी इतात नहीं करते अल्लाह ताला हम सबको इतात करने वाला और शुक्रगुजार और फरमाबरदार बना दे आमीन रसालत मुस्तफ़ा वसल्लम तस्लीम किए बगैर नजात मुमकिन नहीं आखिरत में कामयाबी पाने के लिए नबी वसल्लम की रसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है यह अरकान ईमान में से है कि रसूलों पर भी ईमान लाना है जिसमें से आप सल्लम पर ईमान लाना है रसूल सल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है उस उम्मत में से जो यहूदी या ईसाई मेरे बारे में सुने और उस पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाए बग़ैर मर जाए तो वह जहन्नुमी होगा हर काम मशियत इलाही से होता है यानी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इज़्ज़त से होता है तुम्हारी चाहत अल्लाह ताला की तौफीक पर मुनसर है जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मशीत शामिल नहीं होगी उस वक्त तक रास्ता नहीं कर सकते है ये? बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है अल्लाह तदायत को आसान कर दे और हमारे लिए हिदायत का रास्ता खोल दे तो अल्लाह ताला ने यकीन इंसान को हिदायत देने के लिए ही ये इख्तियार दिया है यानी चॉइस दी है कि वो हिदायत और गुमराही के वाज हो जाने के बाद उन दो राहों में से जिसे चाहे पसंद कर ले तो अल्लाह ताला हमको जो है सो सीधी राह दिखा दिखा दे और हमको ऐसी तोहफ़ी ख़ता फ़रमाए कि हम सीधी राह पर चले आमीन अब आयता मुबारका की हमत और तकाज़े इस सूरत में इंसान को गफलत से बेदार किया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है टेम्प्ररी है फिर दुनिया की चहल पहल और गहमा गहमी बिल आखिर जो है सो ख़त्म हो जाएगी ये चमकता हुआ आफ्ताब और रोशन सितारे अल्लाह ताला के हुकम से टूट फूट कर बिखर जाएंगे और उनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी लोग ये सारे होलनाक मंज़र देख हैरान वह तशद फिरेंगे हैरान वो परेशान फिरेंगे और उन्हें जो है सो अपने कीमती माल व मता तक की खबर नहीं रहेगी दुनिया का ये वसी अरीस समंदर यानी ये दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बहुत ही वसी समंदर जो ज़मीन पे है उसके एक चौथाई खुश्क हिस्से को घेरे हुए है शोलों का मंजर पेश कर रहा होगा अक्लमंद इंसान वो है जो इस खौफनाक दिन के आने से पहले पहले अच्छे अमल कर ले और दिन और उस दिन जो है सो शर्मंदगी से बचने के लिए आज ही से अपने आप को ए अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बना ले अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बना दे आमीन या आलमीन रोज़ क़यामत हर इंसान के हाथ में उसके आमालामा थमा दिया जाएगा और हर इंसान खुद अपने अमल पढ़ लेगा कायनात में सितारों का ये मरबूत निज़ाम कायम है और तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो इस हकीकत को मानते हो चुनाचे कायनात में सितारों का ये जो निज़ाम बाकायदगी से यानी ये जो कंटिनली जो कायम है और बाकायदा तौर पर हमको धूप सूरज चाँद सितारे ये सब चीज़ें हमको नज़र आती हैं आँखों से हम देख रहे हैं और उसकी हकीक़त को भी हम मानते हैं तो फिर सितारों को एक निज़ाम में बांधने वाला खालिक जब अपना कलाम अपने एक बंदे पर नाजिल करे और उसे इंसानों की हिदायत के लिए मबूज करे तो उसे क्यों तस्लिम नहीं करते जब अल्लाह ताला ने उसके हिदायत के लिए एक अपने कलाम को एक बंदे पर यानि रसूल पर नाजिल किए और वो किस लिए इंसानों की हिदायत के लिए तो फिर क्यों तुम उसको तस्लीम नहीं करते अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि क्यों तुम उसको तस्लीम नहीं करते अल्लाह ताला ने अपनी मशीत के तहत हर इंसान को इख्तियार दिया है यानी हर इंसान को जो है सो दी है वो हिदायत और गुमराहि के वाजे हो जाने के बाद दोनों में से जो रास्ता चाहे अपने लिए पसंद कर ले। अल्लाह ताला हम सबको को तौफीक अता फरमाएँ और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ और इताद गुजार और फरमा बरदारों में हमको शामिल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन वाकिरु दावना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت